है ये, जब मैंने वीडियो डालना बंद कर दिया था तो मेरे व्यूज काफी हद तक कम हो गए थे और मैं काफी बैक में चली गई थी। आपको यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज्यादा अच्छी हूँ और आज की वीडियो में आप लोग से मैं बातें भी करने वाली हूँ। ये चिट चैट वीडियो होने वाली है, प्लस मैं आपके क्वेश्चन के आंसर भी दूंगी। आप लोग ने शॉर्ट्स को लेके काफी क्वेश्चन पूछे हैं। मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाली थी, उसमें मैंने बोला था कि आपको जो भी क्वेश्चन हो शॉर्ट्स से रिलेटेड, ओनली शॉर्ट्स से रिलेटेड, सो आप लोग मेरे को कॉमेंट करो तो मैं उसके आंसर दूंगी, मतलब एक वीडियो में बना के। सो ओके, फाइनली आप लोग के बहुत दिन से कॉमेंट्स आ रहे थे शॉर्ट्स को रिलेटेड, दिन भी छोड़ो महीनों से। सो मैंने सोचा आई थिंक हेल्पफुल होगी ये वीडियो कुछ लोगों के लिए, सो मैंने सोचा मैं क्यों ना बना देती हूँ। ओके, तो ये वीडियो चिटचैट होने वाली है, तो जल्दी जल्दी से यहाँ पे इंट्रो खत्म करते हैं और वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। इफ यू लाइक माई कंटेंट सो प्लीज यू सब्सक्राइब माई चैनल, बिना स्किप करे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो में एंड तक बने रहना क्योंकि वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाली है आप सबके लिए भी। ओके गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। आप लोगों ने ना गाइस बहुत क्वेश्चन पूछे थे, पर मैंने ज्यादा से ज्यादा उसमें जो भी हेल्पफुल क्वेश्चन है मैंने वो पिक करने की कोशिश की है। सो जिनके रह गए हैं प्लीज डोंट माइंड, सबके मैं लाइक जरूर कर देती हूँ, बिकॉज सबके मैं लिख नहीं सकती ना, बिकॉज सबके अगर मैंने रिप्लाई दिए वीडियो में तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने कुछ 10 या 11 या 9 क्वेश्चन निकाले हैं तो वो सबके हेल्पफुल होंगे वो क्वेश्चन। ओके, तो मैंने कागज में लिख के रखा है, मेरे पास तो कागज भी नहीं था, वो भी मैंने सामने मांगा है फिर मैंने लिखा है, बिकॉज अभी मेरे पास फोन नहीं है ना, मैं फोन लूंगी मतलब। तो या सो हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन था डेली कितने शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करें। ओके, जितना आपकी कैपेसिटी है आप उतना करो। मेरी पहले कैपेसिटी थी मैं 1 या 2 कर पाती थी, तो ऑफकोर्स मैं करती जाती थी। बात ये नहीं है कि आप दिन में कितने अपलोड करते हो, बात ये है कि रोज अपलोड करते हो, हफ्ते में कितने अपलोड करते हो मैटर ये करता है। मैं ये खुद को भी मैंने खुद के ऊपर देखा है ये, जब मैंने वीडियो डालना बंद कर दिया था तो मेरे व्यूज काफी हद तक कम हो गए थे और मैं काफी बैक में चली गई थी। दैट्स वाई मेरा चैनल अभी ग्रो नहीं हो रहा है, वो मेरी वजह से, वो किसी की वजह से नहीं। सो आपको डेली एक शॉर्ट्स तो डालना ही डालना है, मैं तो ये आपको बोलूँ, डेली आप एक डालो बट अच्छा डालो, कंटेंट अच्छा क्रिएट करो। मैं कोशिश कर रही हूँ, अभी लगी हुई हूँ। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक से कोई प्रॉब्लम है शॉर्ट्स वीडियो में। ऑफकोर्स है आपका, अब तो शॉर्ट्स में भी फंड मिलता है, जैसे फंड मिलता है और बोनस मिलता है, क्लियर बोलूं, बोनस मिलता है। अगर आपका वीडियो वायरल होता है तो यूट्यूब आपको बोनस देता है, बट ऐसे वीडियो में देता है जिसमें आपकी कॉपीराइट क्लेम ना हो। अगर आपके उसमें कॉपीराइट क्लेम होगा तो वो नहीं देगा, तो वो आपका जो भी वायरल हुआ है वो वेस्ट है अगर कॉपीराइट क्लेम आता है। सो या, और आपका अर्न भी नहीं कर पाओगे आप शॉर्ट्स से, ये भी रीजन है। सो या, थर्ड क्वेश्चन है दी आप कौन से ऐप से एडिट करते हो। अब ये क्वेश्चन ना इतने लोग पूछते हैं कि मतलब मैं बता बता के थक चुकी हूँ, फिर भी लोग मेरे से पूछते ही है। मेरे से हर एक लोगों ने बोला है कि आप इस फोन से, इस ऐप से एडिट करते हो फिर भी वीडियो इतना अच्छा, क्वालिटी इतनी अच्छी, कैसे भाई। सो वो तो राज है, वो तो मेरी, मैं इतनी सुंदर हूं ना इसलिए। ओके एनीवेज, थर्ड या कौन से ऐप से एडिट करते हो। एक ब्लो नाम का ऐप है, ब्लो, आपको यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगी, ब्लो नाम का ऐप है, आप उसको उसको डाउनलोड कर लो। मैं स्टार्टिंग से अभी तक ब्लो के अलावा मैंने कहीं देखा ही नहीं है, क्योंकि इतने लोग सजेस्ट करते हैं कि ये ऐप करो, वो ऐप करो, बट आई डोंट थिंक कि मैं कर पाऊंगी। मैं इसमें बहुत कंफर्टेबल हूँ, बहुत अच्छा ऐप है, लाइक मेरे को बहुत पसंद आया, इसलिए मैं आप लोग के लिए भी सजेस्ट करूंगी। पिक्सल ऐप से आप अपना थंबनेल बनाओ एंड ब्लो ऐप से आप एडिट करो, दैट्स। फोर्थ है आप ब्यूटी प्रोडक्ट शॉर्ट्स के लिए कहाँ से परचेस करती हो। ब्यूटी प्रोडक्ट्स मैंने नाइका से, पर्पल से, मिंत्रा से तो नहीं, या नाइका और पर्पल ये दो है एप्स जहां से मैं लेती ही लेती हूँ, नाइका एंड पर्पल। नाइका से तो मैं बहुत कुछ लेती हूँ, मतलब नाइका एंड पर्पल, या। दी नेक्स्ट क्वेश्चन है दी एक एडिटिंग की वीडियो डाल दो, सबकी हेल्प हो जाएगी। ओके, अब आगे इस क्लिप के आगे मैं एडिटिंग की ऐप डाल रही हूँ, जिस वीडियो से मैं पर्सनली ऐप से एडिट करती हूँ, ब्लो ऐप से, उसका छोटी से क्लिप डाल दूंगी, सो शायद आप लोग की बहुत हेल्प हो जाएगी। ओके गाइज, ये है ब्लो ऐप,
लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और यहाँ से देखिए मैंने कितने सारे वीडियोस वगैरह बनाए हैं, सो मैंने आपको सब दिखा दिया। यहाँ पे जो रेड कलर का प्लस का बटन था उसमें क्लिक किया, उसके बाद आपको जो भी सिलेक्ट करना हो सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट या फिर आपको जो भी मतलब इंस्टाग्राम के लिए, फेसबुक के लिए, यूट्यूब के लिए जो भी करना हो आप सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद यू कैन सी यहाँ पे मैंने ये वाली क्लिप इंक्लूड की है। अब इसको आप ले करके क्लिक करोगे ना तो ऐसा कुछ आ जाएगा। आप स्प्लिट के बटन में क्लिक करोगे ना तो वो कट हो जाएगा आपकी क्लिप, और आगे करोगे तो यहाँ पे स्पीड बढ़ जाती है, स्पीड कम हो जाती है, स्लोमो जैसे चाहिए होता है। आप लोग पूछते हो स्लो मोशन ट्रांजेक्शन कैसे बनाते हो, ऐसे ही बनता है स्प्लिट करके और स्लो करके। और आपको अगर चाहिए तो उसके ऊपर आप फोटो भी डाल सकते हो, और साइड में एक पिप का ऑप्शन है, यू कैन सी ग्रीन कलर का दिख रहा होगा वहाँ पे। सो ऐसा कुछ होता है एडिट, बहुत ईजी है गाइज, और यहाँ पर आप सेव कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू ग्रो अवर चैनल। ग्रो तो आप तब कर सकते हो जब आपका कंटेंट अच्छा हो, ग्रो आप तब कर सकते हो जब आप डेली वीडियो अपलोड करो। क्लियर भाषा में बोलूं तो कंसिस्टेंसी बनाना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज मैंने जब अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखी थी ना, सुबह मैं 10 बजे डेली अपलोड कर ही देती थी अच्छे अच्छे कंटेंट्स, लॉन्ग वीडियो, मेरा वीडियो वायरल हो गया था, 7 लाख गए थे, 7 लाख वो जिसमें मैंने मांग भरी थी। तो वो मैंने जब डेली अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखी तब, फिर मैं धीरे धीरे बैक पे चली गई बिकॉज मेरा ध्यान हट गया यूट्यूब से। सो आज मैं पछता रही हूँ कि क्यों मैंने ऐसा किया, वो जो भी 15 दिन मैंने गैप किया क्यों किया, उसकी वजह से आज मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी है फिर भी मेरा चैनल ग्रो नहीं हो रहा है। सो वक्त निकलते जाता है, मैं क्लियर बात बोलूँ, वक्त निकलता जाता है तो उसकी कदर करना सीख लो आप लोग भी, क्योंकि मेरे ऊपर बीत चुकी है। तो मैं आप लोगों के लिए जरूर बोलूंगी कि वक्त की कदर करना सीखो, वक्त बार बार नहीं आता है, वक्त एक बार आएगा, बार बार नहीं मौका देता भगवान भी आपको, पर फिर भी मैं हार नहीं मानूंगी, मैं तो कोशिश कर रही हूँ, भगवान तो है ही मेरे साथ। चलो इतना लंबा ज्ञान देने की क्या जरूरत थी, कोई भी कॉमेंट तो ये भी करेंगे। ओके, शॉर्ट्स फ्रंट या शॉर्ट वीडियो फ्रंट से शूट करते हो या बैक कैमरे से। अब ये भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं लोग कि फ्रंट से शूट करें या बैक से। देखो अभी मैं फ्रंट से शूट कर रही हूँ, क्लियर फ्रंट से शूट कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ। अगर मैं फ्रंट से नहीं करती तो कैमरा में देखती, अभी मैं कैमरे में देख रही हूँ, अभी मैं अपने फेस की तरफ देख रही हूँ। ओके, फ्रंट से शूट करो, क्वालिटी थोड़ी सी डाउन होती है, बट अगर आपकी लाइटिंग सेटअप बहुत अच्छा हो ना, जैसे मेरा है चारों तरफ, अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी आप कमेंट करोगे दीदी लाइटिंग सेटअप दिखाओ, मैं जरूर अपना दिखाऊंगी। मैं होम टूर भी सोच रही हूँ बनाने के लिए, बिकॉज हम नए घर में शिफ्ट हुए हैं ना, तो होम टूर में आप लोग साथ शेयर करने वाली हूँ। सो लाइटिंग सेटअप अच्छा हो तो आप फ्रंट कैमरे से भी बनाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं और अच्छा क्रिएट करने की कोशिश करती हूँ इसलिए बैक कैमरे से बनाती हूँ, मेरे को चाहिए कि मैं अच्छे से अच्छा क्रिएट कर सकूँ। मैं अपना कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश करती हूँ अच्छा, बाकी पसंद करना ना पसंद करना वो आपके ऊपर है, मैं अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। सो फ्रंट बैक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कंटेंट अच्छा क्रिएट करो, कंसिस्टेंसी बनाओ, यही मैं कहना चाहती हूँ। आप किस मोबाइल से वीडियो शूट करते हो, मॉडल कौन सा है, ये तो कम से कम 1000 लोगों ने मेरे से पूछ लिया होगा कि कौन से मोबाइल से शूट करती हूँ, और मैं तो रिप्लाई दे दे के भी थक चुकी हूँ अब तो। रेडमी नोट 8 ब्लू कलर का फोन है, उससे मैं शूट करती हूँ। सॉन्ग विदाउट कॉपीराइट कैसे अपलोड करें, ये नेक्स्ट क्वेश्चन था। आप लोग गूगल में जाना, उसमें सर्च करना मिक्स सॉन्ग्स डाउनलोड, बॉलीवुड वाले रिमिक्स भी कर सकते हो, बट अगर आपको रिमिक्स नहीं चाहिए तो आप मिक्स मैशअप होता है मैशअप, आप सर्च करना बॉलीवुड मैशअप सॉन्ग्स, बॉलीवुड हिंदी मैशअप सॉन्ग्स, सारे आ जाएंगे, सारे डाउनलोड कर लेना, उसमें आपको कॉपीराइट नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट्स वीडियो बना के अर्निंग हो सकती है कि नहीं। जरूर हो सकती है, अभी तो यूट्यूब क्या होता है, यूट्यूब, अब तो शॉर्ट्स में भी आपकी अर्निंग होने लगी है यूट्यूब में, तो यह हो सकती है। और अगर अगर आपका वीडियो वायरल भी होता है तो शॉर्ट यूट्यूब आपको फंड देता है, बोनस देता है, तो आप आराम से बहुत इजीली कमा सकते हो शॉर्ट्स के जरिए भी अगर वायरल हुए तो। नेक्स्ट एंड आखिरी क्वेश्चन है, मैंने गाइस ज्यादा नहीं पिक किए बिकॉज एक चीज को भी समझाने में काफी टाइम लग जाता है, सो उसके लिए या ओके। शॉर्ट्स में वॉच टाइम बढ़ता है, काउंट होता है, अब इसमें नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन है, शॉर्ट वीडियो डालने में वॉच टाइम एंड काउंट होता है कि नहीं। ओके, सो वॉच टाइम ऑफ कोर्स काउंट होता है,
होता है होता है, अभी YouTube ने नई अपडेट बीच में निकाली थी तो उसमें होता है, बट आप अर्न बहुत अच्छा कर सकते हो शॉर्ट्स के जरिए। सो आप डेली शॉर्ट्स डालो और आई होप आपको जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने आंसर अच्छे से दिए होंगे, आपको समझ में भी आया होगा, और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मेरे से नीचे कॉमेंट में जरूर पूछ सकते हो। ओके ओके गाइज, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करके जाना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। ओके मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा ये वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है तो जाके जल्दी से देखो। ओके मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।